गांधी जी कट्टर में मौतें क्यों, मोदी सरकार जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, वो कट्टर में मौतें क्यों, मोदी सरकार जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, क्यों सरकार जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। 75 साल भी, 75 साल बाद भी गटर हाथों से साफ करने के लिए मजबूर, कैसे मैडम लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, हम है गटर में फिर भी झंडा नहीं झुकने देंगे, झंडा नहीं झुकने देंगे, हम है गटर में झंडा नहीं झुकने देंगे, हम है गटर में झंडा नहीं झुकने देंगे, हम है गटर में झंडा नहीं झुकने देंगे, लेकर आएंगे, लेकर आएंगे। पूजा, आप देख रहे हैं जनित आवाज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के जंतर मंतर, दिल्ली के जंतर मंतर पर, यहाँ पर लगातार सफाई कर्मचारी जो है आज़ादी के 75 साल होने के बाद भी जो है उन्हें आज़ादी नहीं मिल रही है उन गटरों से जिसमें उनकी मौतें होती हैं, लगातार जिस गटर में उनकी मौतें होती है उसी के चलते यहाँ पर आज हल्ला बोल कर दिया है सफाई कर्मचारियों ने। और सफाई कर्मचारियों के सारी जो एकजुट हुए हैं वो लगातार यहाँ पर अपने नारों के साथ यहाँ पर आज़ादी का अमृत महोत्सव की जवाब मांग रहे हैं मोदी साहब से, मोदी जी से, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के राजा हैं, उनसे इनके जवाब और सवाल है कि आखिर किस तरीके से इनके साथ जो स्वच्छता अभियान तो चलाया जा रहा है, लेकिन स्वच्छता अभियान के दौरान जब ऐसे ही लोगों की मौत हो जाती है कर्मचारियों की, तो उस पर आखिर सरकारें क्या करती हैं, वही सब सवाल इनके ऊपर है। और ये आप सामने देख सकते हैं गटर में डूबी जिंदगी पर झंडा झुकने नहीं देंगे, ये लगातार इस तरीके के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। और मोदी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन यहाँ पर विकास दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो क्या ये जो अभी आप ये लेकर खड़े हैं इस तरीके से, तो मतलब क्या कुछ दिखाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं? मैम, अब भी शोषण हो रहा है कहीं कहीं कॉलेजों के अंदर और ड्यूटियों पे जहाँ जहाँ लोग काम करते हैं, आज भी शिविरों के अंदर लोगों को उतारा जा रहा है, जबकि अब मशीनें काम करना करेंगी, लेकिन नहीं, वो मशीनें काम नहीं करें, लेकिन हम जैसे इंसानों को, गरीबों को शिविरों के अंदर उतारा जा रहा है। इस शिविरों के अंदर लोगों की जानें भी जा रही हैं, काफ़ी लोगों की मौतें हो रही हैं, काफ़ी लोग बेघर हो रहे हैं, जिनके घर में एक ही कमाने वाला है वो शिविर में घुसता है, वो मर जाता है, उसको घर से क्या मिलता है, नौकरियों से कुछ नहीं मिलता। आज भी जहाँ मैं ड्यूटी करता हूँ वहाँ भी शिविर के अंदर उतारा लोगों को। पिछले साल छठे महीने के अंदर मैंने एक वीडियो बनाई थी, एक फ़ोटो खींची थी कि अम्बेडकर यूनिवर्सिटी कश्मीरी गेट दिल्ली 6 के अंदर शिविर के अंदर एक 2-4 लड़कों को उतारा जा रहा था शिविर के अंदर। अब उसके अंदर बेचारा वो शिविर के अंदर घुसा हुआ था मैडम, वो मर जाता तो क्या होता उसका, वो फैमिली का क्या होता? ना ही तो उसके पास मास्क था, ना ही उसके पास ग्लव्स, कोई सुरक्षा कवच कुछ नहीं था उसके पास। अगर वो शिविर में जाके मर जाए तो क्या हो मैम? जबरन करते हैं हमारे लोगों के साथ कि भाई शिविर में उतरो। जैसे कि हमारे कॉलेज के अंदर AR है, वो कहते हैं अगर नहीं करोगे तो भाई अपना देख लो ठिकाना कहाँ देखना। अब मैम प्राइवेट नौकरी के अंदर हमें कहने को मिल जाए ठिकाना देख लो अपना, अगर हम कहीं और नौकरी ढूंढें 20-25-30 हज़ार रुपये हमें देने पड़ेंगे वहाँ पर लगने के लिए, और क्या गारंटी है वो हमें वहाँ पर रेगुलर रखेगा? वो क्या करेगा, हफ्ता 15 दिन महीना काम कराएगा, उसके पास किसी ना किसी गलती के ऊपर हमें निकाल के भगा देगा कोई हमारा। अच्छा ये बताइए, आपको जो है सारी किट दी जाती है उसमें नीचे उतरने के लिए गटरों में, तो आपको किट वगैरह प्रोवाइड की जाती है, मास्क, ग्लव्स दिए जाते, कुछ नहीं दिया जाता? नहीं दिया जाता मैडम, कुछ भी नहीं दिया जाता। तो ऐसे दावे कर रही है? कोई दावे नहीं मैडम, मैं प्रूफ दिखा सकता हूँ इस बात की आपको, आप मेरे मोबाइल के अंदर प्रूफ देख सकते हो, कोई सुरक्षा कवच कुछ नहीं दिया जाता, ना ही मास्क, ना ही ग्लव्स, ना ही सैनिटाइजर, कुछ ही नहीं दिया जाता है भाई। ये मिलती है, काम करोगे तो ठीक है, नहीं तो अपने घर जाओ। मगर ये आपका पुश्तैनी काम भी तो है। हम पुश्तैनी काम है तो हमको ही चाहते हैं हमारी आने वाली पीढ़ी भी यही काम करे। अब बताइए, आप ये काम कर रहे हैं तो आप चाहते हैं हमारे बच्चे यही काम करें? आप ये चाहते हो हमसे ज़्यादा तरक्की पाएँ? ऐसे हमारे पेरेंट्स, हमारे घर वाले हैं, हमारे माँ बाप है, हमारे बीवी बच्चे हैं मैडम, वो कहाँ जाएंगे? सरकारों का तो कहना यही होता है कि कर्मचारी है उनका काम यही है तो गटरों में उतरना और ये सब, क्योंकि उनका पुश्तैनी काम है। तो मैम पुश्तैनी काम के अंदर तो ये भी होता है, जैसे कि अगर हमारी कास्ट में या हमारी कास्ट का कोई अफसर बन जाए तो उसका भी काम यही हो सकता है कि उनका भी पुश्तैनी काम होगा, लेकिन वो शोषण करता है और वो शोषण मैडम अभी तक चलता ही आ रहा है, गरीबों के साथ ही चलता आ रहा है। क्या ये बारिश का टाइम आ गया है और आपको ऐसे सीवरों में उतरना पड़ता है, कुछ सुरक्षा कवच नहीं मिलते हैं? कुछ नहीं मिलता है मैडम। तो अभी इतना मशीनों का इंतजाम कर दिया गया, सरकारें मशीनों का भी दावा करती है मैडम, सब चीज का दावा करती है मैडम, लेकिन मिलता कुछ नहीं है, सब झूठे दावे हैं।
अच्छा, और भी लोग हैं यहाँ पर, तो ये झंडा लेकर के और सीवर में ऐसे खड़े होकर के इसका मकसद क्या है? मकसद यही दिखाना चाहता है कि अभी तक ये शोषण हमारा खत्म नहीं हुआ है, हमारे पे अभी तक शोषण हमारा किया जा रहा है। तो ये झंडा जो है लेके खड़े हैं और गटर में है आप, इसका मकसद तो यही दिखा रहे हैं कि दलित समाज आज भी पीछे ही है और उसको पीछे किया जा रहा है। पीछे है क्योंकि उसको आगे बढ़ने दिया ही नहीं जाता। कौन रोक रहा है आप लोगों को? आप लोग भी अच्छा काम कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, कौन रोक रहा है आप लोगों को? अब ये तो अब हम क्या कह सकते हैं इसमें, ये तो हमारा कोई तो मकसद होगा आपका यहाँ पे आने का, कुछ मकसद क्या है आपका? मकसद ये कि भाई हमारे को हर चीज़ की सुविधा दी जाए और हमारे को ये जो परमानेंट नहीं किया जाता और कच्चा रखा जाता है, हमें परमानेंट करना चाहिए। देखिए बारिश भी आ चुकी है और ऐसी बारिश में ये लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि ऐसी ही बारिश में ये गटरों में उतरते हैं। सोचिए सीवर जब फुल हो जाते हैं ऐसी बारिश के टाइम में, जहाँ कोई जाना पसंद नहीं करता उन सीवरों के पास, वहाँ फुल गटर में ये लोग उतरते हैं, वहाँ सफाई करते हैं। तभी और भी है, ये आप सामने देख सकते हैं, आज़ाद भारत को स्वच्छ भारत बनाने के लिए सफाई कामगार समुदाय को कब तक मरना पड़ेगा? सोचिए मरने जैसी बात भी इनको कहनी पड़ रही है क्योंकि कई लोग जब गटर में उतरते हैं तो उसकी सीवर की गैस और बदबू से ही वहाँ पर जब उतरना मुसीबत हो जाता है तो ये लोग दम भी तोड़ देते हैं। तो क्या कुछ समस्या लेकर आप लोग यहाँ पर आए हैं? समस्या ये है मैम, देखिए कि भारत को आज़ाद हुए 75 साल हो गए लेकिन हमें गटर से आज़ादी अभी तक नहीं मिली। पिछले दिनों हमारे दलित भाई गटर में सफाई करते हुए मरे हैं क्योंकि जहरीले गैस से उन्हें कोई सुविधा नहीं मिली। हम AUD में जैसे काम करते हैं तो हमें भी कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलता, इसलिए प्रदर्शन करते हैं। आज़ादी का जो है अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है लेकिन आप लोग जो है आज 14 अगस्त है, झंडा लेकर आप इस तरीके के प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन हमें आज़ादी नहीं मिली ना गटर से, सफाई कर्मचारी से। अगर आप आज़ादी ले लेंगे, आप लोगों का तो काम है ना, ये काम तो क्या काम है, तो क्या मरते रहेंगे? पिछले दिनों कितने मर गए, पिछले हफ्ते राजस्थान में भी हादसे हुए हैं जहरीले गैस से, प्रोटेक्शन नहीं मिलता, पूरा सामान नहीं मिलता, तो कैसे करें बताओ। अच्छा, मशीनें जो है बताई जाती है और लगातार वो लोग दावा करते हैं मशीनें दी जा रही है, तो मशीनें क्यों नहीं आपके लिए सफाई करने के लिए दी जाती है? मशीन तो नहीं मिलती मैम, नहीं मिल रही है। क्या बोला जाता है, आपने कभी सवाल उठाया है? ये सवाल उठाया है लेकिन मैम जबरन सीवर में उतारा जाता है। जबरन उतारा जाता है आप लोगों को, मतलब आप लोग मना भी करते तब भी उतारा जाता है? जब भी उतारा। चलिए अभी और भी यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं किस तरीके से ये सारे लोग जो हैं एक दिखा रहे हैं किस तरीके से गटर में ये लोग उतरते हैं, ये गटर है और इस तरीके से आज़ादी के 75 साल बाद गटर में मौतें क्यों, इनके सवाल हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। लगातार इसी तरीके से यहाँ पर इतनी बारिश होने लग रही है और ये लोग वही जो ये गटरों में उतरते हैं वही कर्मचारी है जो हमारे समाज का हिस्सा है, लेकिन एक तरफ सरकार जो है लगातार इनको नज़रअंदाज कर देती है और लगातार इनकी मौतें होती हैं। तो इस पर आखिर सवाल क्यों ना पूछे, आज़ादी का 75 साल जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, क्या उन सवर्ण और जो ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोग हैं क्या उन्हीं के लिए मनाया जा रहा है? क्या आज़ादी के 75 साल और आज़ादी का अमृत महोत्सव इन लोगों के लिए नहीं है? क्या ये लोग आज़ाद महसूस नहीं कर रहे हैं? तो ये लोग आज़ाद महसूस कब करेंगे? तो यही सब इनके सवाल हैं और आप देख रहे हैं किस तरीके से ये लोग यहाँ पर अपनी मांगों और हक अधिकार के लिए लगातार यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इतनी बारिश हो रही है लेकिन ये लोग अपने हक अधिकार के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। जिस तरीके से सरकार दावे और वादों के साथ इनको हमेशा ठगती आई है, हमेशा से बोलती आई है कि आपके लिए किट दी जा रही है और आपके लिए इस तरीके की मशीनें लाई गई हैं, लेकिन वो मशीनें और किट कहीं पर भी दूर दूर तक नज़र नहीं आती है, लेकिन ये लोग जो है गटरों में उतरने को मजबूर है और लगातार इनकी मौतें होती हैं। इसी के साथ देखते रहिए जनहित आवाज़, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र साथ में पूजा, चंद्र मंत्र, दिल्ली।